महिंद्रा अपनी बोलेरो नियो को फेसलिफ्ट के साथ में लॉन्च करने वाली है। अभी बोलेरो फेसलिफ्ट भी आएगी, उसके साथ में नियो भी फेसलिफ्टेड अवतार के साथ में अपडेट होके आएगी। इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, खास करके लॉन्च डेट जो कि डिले हुई है। अनफॉर्चुनेटली मतलब डिसअपॉइंटेड न्यूज़ है, लेकिन क्या करें, वो रिपोर्ट आए हैं तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नियो फेसलिफ्ट के साथ में आप कौन सी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हो, खास करके ऐसी चीज़ें जो कि उस कैरेक्टर के अंदर आए जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 14.5-15 लाख तक की कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर। आजकल मतलब जो चीज़ें चल रही है मुझे खास बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अच्छे से जानते हो। लेकिन जो सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी चलती है वो खास करके 15 लाख के अराउंड आपको मिल जाती है। ऐसे में ये गाड़ी भी सिमिलर प्राइस पॉइंट के अंदर लॉन्च होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं हमारे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखे तो फिर देरी नहीं हुई है, इस वीडियो को देख लो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर लॉन्च जो डिले हुई है उसकी भी बात करेंगे, प्राइसिंग की भी बात करेंगे, इंजन वाइज गियर बॉक्स ऑप्शन वाइज क्या अवेलेबिलिटी रहेगी उसकी भी बात करेंगे। तो ओवरऑल सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। साथ ही में ये भी बात करेंगे कि ये ओरिजिनल एसयूवी है, ट्रू एसयूवी है, तो इसको कितने लोग सपोर्ट करेंगे या फिर कितने लोग खरीदेंगे, किसके लिए ये बन रही है, किसके लिए ये गुड ऑप्शन है, उन सब मतलब की सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। खैर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर दो, ताकि कोई भी मतलब डाउट्स वगैरह हो तो वो मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर हमें पता चल जाए और हम उसका रिप्लाई कर सके। तो बाकी और कोई उसका रिप्लाई कर सके ऐसा व्यूअर होगा तो वो भी कर सकता है, तो कमेंट डाउन करके बता दो क्वेरीज, पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो भी है। खैर लॉन्च की बात करें, नवंबर का एंड हो चुका है, नवंबर 2024, जो कि पहले अक्टूबर का मिड था, मिड ऑफ द अक्टूबर के अराउंड एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अब नवंबर का एंड हो चुका है। और प्राइसिंग की बात रही तो 9.5-12 लाख एक शोरूम तक जाएगी। उसका मतलब सीधा सा यही हुआ कि मतलब मान लो 12 है, ज़्यादा से ज़्यादा रखो कि 12.5-13 तक लेके जाओ, तो भी गाड़ी ऑन रोड आपको 14 के अराउंड देखने को मिल जाएगी। और ऐसे में अच्छे खासे पैकेजेस के साथ में ये अवेलेबल होगी, तो आप खुद कंपेयर करके देख लो बाकी सारी नॉर्मल सब 4 मीटर की सो कॉल्ड एसयूवीज के कंपैरिजन में ये गाड़ी कैसी रहेगी। मुझे ज़्यादा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, अब क्योंकि ये ट्रू एसयूवी है, रियर व्हील ड्राइव है, आपको 4x4 का भी ऑप्शन मिल जाएगा। पर्टिकुलर टॉप एंड के 2 या 3 मतलब कि 2 वेरिएंट के अंदर वो ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे में बात करें कि वो 2 ऑप्शन के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स है जो आपको मिलेंगे। तो उसमें से एक है कि इंजन ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल हर एक इंजन मतलब 1.5 डीजल हर एक वेरिएंट के साथ में आएगा, लेकिन 2.2 डीजल टॉप एंड के 2 वेरिएंट के साथ में अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज 1.5 भी ले सकते हो। और गियरबॉक्स का ऑप्शन आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन के ऊपर, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आपको दोनों ही इंजन के साथ में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों को बजट रेंज के अंदर गाड़ी चाहिए वो 1.5 लीटर डीजल ले सकते हैं, और उसके साथ में उन लोगों को असली मतलब कि ओरिजिनल जिसको एसयूवी बोला जाता है ढंग से, जो एसयूवीज की कैटेगरी को या फिर क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, वो वाले क्राइटेरिया के अंदर गाड़ी आ जाती है। बाकी 2.2 डीजल वो लोग ले सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी प्राइमरी कार है, लेकिन एज ए सेकेंडरी कार लेना चाहते हैं, थोड़ा सा ऑफ द रोड जाना चाहते हैं और असली एसयूवी को चलाना चाहते हैं, उनके लिए है। बाकी फ़िलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो के अंदर, पसंद आया ओवरऑल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अभी से ऑटो एंथुजियास्ट फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हमें पता है आप ऑटो एंथुजियास्ट हो, तो अभी से सब्सक्राइब करके एवरीडे के वीडियोज़ को देखो और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जानकारी लो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।